दोस्तों आज बनाएंगे दाल और चावल से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा गर्मा गर्म नया नाश्ता। एक बार इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे तो सभी तारीफ करेंगे। तो मात्र 10 मिनट में पूरे परिवार के लिए यह टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बना सकते हैं और इसे खाकर सभी तारीफ करेंगे, सभी पूछेंगे कैसे बनाया और बच्चों को देंगे तो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को एक बार क्यों ना बनाया जाए। दोस्तों इस नाश्ते को बनाने के लिए लेंगे एक बाउल या फिर एक कटोरा ले लें, उसमें डालेंगे आधा कटोरी हरे वाले मूंग और आधा कटोरी लेना है चने का दाल और इसी कटोरी से लेंगे आधा कटोरी चावल। तो यह मैंने यहाँ पर अरवा चावल लिया है और आपके पास जो भी चावल है उसमें ऐड कर दें। अपनी मनपसंद के इसमें दाल भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो दाल चावल अगर खाने को मन ना करे तो दाल चावल से ही बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी डूबने भर डालेंगे और यहाँ पर पानी डालकर अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे पानी में ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़े बहुत सब्जियां, तो सब्जियां भी इसमें आप अपने मनपसंद के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पीस मूली, मूली को अच्छी तरह से धोकर बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। 1 पीस है प्याज, प्याज को भी बड़े बड़े पीस में काट लिए हैं। थोड़े से पत्ता गोभी है। 7 से 8 पीस लेंगे हरी मिर्च, तो यहाँ पर 3 पीस है हरी मिर्च जो लाल हो गए हैं, ये भी हरी मिर्च ही थी। और 6 से 7 पीस लेंगे छिले हुए लहसुन की कलियाँ। अब यहाँ पर लेंगे एक चॉपर जिसमें आसानी से कट जाते हैं। अगर चॉपर नहीं है, नहीं काटने हैं चॉपर में, तो इसे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। तो चॉपर में पहले पत्ता गोभी डालकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे इस तरह से खींचने से ये आसानी से चॉप हो जाते हैं और 10 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे चॉप कर लिए हैं अच्छी तरह से। इसी तरीके से सभी को काट लेने हैं। अगर इससे नहीं काटने हैं तो चाकू से भी काट सकते हैं। यहाँ पर सभी को काट कर तैयार कर लिए हैं और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से चूर कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए दाल चावल भी अच्छे तरीके से फूल गए हैं। तो इसमें आप अपने मन पसंद के कुछ और दाल भी ऐड कर सकते हैं और ये नाश्ता जो बनेगा बहुत ही टेस्टी कुरकुरा और हेल्दी बनेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से फूल जाने के बाद इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 बार चावल और दाल को धो लिए हैं और एक छन्नी से छान लिए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। अब यहाँ पर लेंगे एक बड़ा वाला मिक्सी जार और बड़े वाले मिक्सी जार में दाल और चावल को इस तरह से डाल देंगे। अगर छोटे वाले मिक्सी जार हैं तो इसे 2 से 3 बार में पीस सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े वाले मिक्सी जार में एक ही बार में हो जाएंगे। तो इसे ढक्कन बंद करके बंद चालू करके बिना पानी ऐड किए ही पीस लेना है। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे पीस लिए हैं, तो जब इसे पीसेंगे तो एकदम दरदरा ही रखेंगे। तो यहाँ पर चम्मच से देखिए एकदम दरदरा ही है, तभी हमारे नाश्ते एकदम कुरकुरे बनेंगे और खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से दरदरा पेस्ट बना लिए हैं और हाथों से इसे इस तरह से करेंगे तो एकदम दरदरा ही रहेगा। तो अब इसे एक बाउल या कटोरे में निकाल लेंगे जिसमें आपको इस नाश्ते को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसे चम्मच से मिक्सी जार में जितने भी मिश्रण है उसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे, नहीं तो हाथों से भी इसे अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो सारे मिश्रण को अच्छी तरह से इसमें निकाल लिए हैं। अब इसमें कटी हुई सब्जियों को ऐड कर देंगे। तो इस नाश्ते को आप कम से कम तो 6 से 7 सदस्य के लिए बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा और हेल्दी भी बनेगा। तो सभी को डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो इस नाश्ते को तीखा चटपटा बना रहे हैं, और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा और इसमें आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच डालेंगे नमक और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे। और धनिया के पत्ते अगर नहीं हैं तो इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। अब इन सभी को डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब इसे मिक्स करेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये रूखा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं।
इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट लगते हैं मिक्स करने में, तो हाथों को थोड़ा सा दबा दबा कर इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स कर लिए हैं तो हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसे अब गोल करेंगे। तो इसे आप जिस भी शेप में बनाना चाहें उस शेप में आसानी से बना सकते हैं। हाथों में रख कर इसे गोल कर लेंगे और इसे दबा कर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम छोटी सी टिकिया की तरह इसे बना लिए हैं। बना लेने के बाद इसे प्लेट में रख देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 6 से 7 पीस बनाकर रख लिए हैं। तो अब चलिए एक तीखी चटपटी चटनी बनाते हैं। इसके लिए लेंगे एक छोटा मिक्सी जार, उसमें डालेंगे धुले हुए धनिया के पत्ते और 5 से 6 पीस डालेंगे छिले हुए लहसुन की कलियाँ, और इसे तीखा चटपटा बनाने के लिए डालेंगे 3 से 4 पीस हरी मिर्च और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाले हैं और चाहें तो इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये लीजिए हरी धनिया की तीखी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। इसे अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो चलिए अब इस नाश्ते को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल। तेल जब गर्म हो जाएंगे तब एक पीस को डालेंगे, और जब डालेंगे तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम या लो रखेंगे और सारे पीसेस को डालकर थोड़ी देर एक तरफ फ्राई होने देंगे और हल्का सा सुनहरा कलर होगा तब पलट देंगे। थोड़ी देर में उलट पुलट करके दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो धीमी आंच में बनाएंगे तो कुरकुरे भी बनेंगे और अंदर में अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे। तो इसे देखिए दोनों तरफ से पलट देंगे हल्का सा सुनहरा कलर होने के बाद, और सुनहरा कलर होने तक उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। सुनहरा कलर का हो गया है तब इसे निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरीके से होंगे तब इसे अलग झंझरे में इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालने से जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए दाल और चावल से बने बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है, और साथ में बनी है हरी धनिया की चटनी। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखें। समोसे कचौड़ी पकौड़ी तो बहुत खाए होंगे, इस तरीके से भी चावल और दाल के नाश्ते ज़रूर बनाकर देखें। और यहाँ पर देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार लगेगा। और धीमी आँच में बनाएंगे तो अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे और कुरकुरे भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।